हाँ बोलो बोलो नारे लगाओ लिखाओ नारे लगाओ सर मेरा नाम रोहित है सर, बात यह है कि 2019 की बात है, हमारे विजिट पे थे हमारे होम मिनिस्टर के तौर पर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने टू बॉर्डर पेट्रोलिंग बताने का एक अनाउंस किया था, स्पेशल यूथ हैं जो बॉर्डर के उनको, तो सर तब से लेकर हमारा आज तक फिजिकल नहीं हो रहा, रिटर्न नहीं हो रहा, फिजिकल एवरीथिंग हमारा कम्प्लीट हो जा रहा है, हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो फिजिकल एवरीथिंग हमारी कम्प्लीट है, लेकिन हमारे रिटर्न का आज तक कोई अता पता नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको हम अपील करते हैं कि सर प्लीज़ काफ़ी बच्चे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, काफ़ी डिले हो गया, जिस रिक्रूटमेंट को 7 महीने लगने थे उनको अभी 3 साल होने को आ रहा है, तो सर प्लीज़ हम आपके चैनल के माध्यम से श्री हमारे जो गवर्नर हैं नौ चीज़ है उनको अपील करते हैं कि सर हमारा रिटर्न जो जल्दी से जल्दी कलेक्ट कराया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी ओवर एज हो गए, तो सर देख आते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारा रिटर्न जो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। क्यों लगता है आपको कि इस तरह के डिले करने का कारण क्या है? डिले करने का कारण सर यही है कि जो डॉक्यूमेंट की जो प्रोसेसिंग की थोड़ी ना स्लो चल रही है सर, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट निकली थी तब इन्होंने बोला था कि जो कैंडिडेट्स की पेयरिंग जो है वो पीआरसी वाले होंगे, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, क्योंकि सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पीआरसी नहीं बना है, लेकिन अभी क्या हुआ है कुछ ऐसे बच्चे बीच में ऐसे फॉल कर गए हैं जिनका सिर्फ पीआरसी नहीं है लेकिन डोमिसाइल है, तो सर उनकी वजह से थोड़ा ऐसा उनका चल रहा है इशू, लेकिन अंदरूनी उनका मामला हमको पता नहीं है, तो सर यही हो कि हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो थोड़ी जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल आने को भी आ रहे हैं, जिस रिक्रूटमेंट को 7-8 महीने लगने थे अभी 3 साल आने को आ रहे हैं, तो सर इतने इंप्रूवमेंट को कभी हमने आज तक नहीं देखा, तो सर प्लीज़ हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए।